इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को मासी मुसीबतें का सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट और खुशबाश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसी जगह जो यहाँ की बहुत मशहूर है, यानी हिस्टोरिकल जगह है। चलिए इकट्ठे चलते हैं। कैटल आर्ट डिपोर्ट के नाम से मशहूर है ये जगह, और फर्स्ट डिपोर्ट स्ट्रीट भी इसको कहा जाता है। ये बहुत पुरानी तर्ज तामीर है, यानी ये बहुत पुरानी तामीरात में शुमार होती है। ये माता कुक रोड कवान कोलून सिटी में वाक़ है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 1909 में जो है तो तामीर करवाया गया था, ऐसे मवेशियों और जानवरों के लिए जो कि रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी जो उम्र रसीदा हो जाते हैं डेयरी फार्म वगैरह पर, या काम करने के काबिल नहीं रहते, जो घोड़े गधे वगैरह और गाय बैल और सूअर वगैरह, तो उनको जो है तो तल्फ और ख़त्म करने के लिए ये स्लाटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। स्लाटर मतलब ज़िबा खाना जिसे कहते हैं, और यहाँ ऐसे जानवरों को लाया जाता था जो कि किसी काम के नहीं रहते थे, यानी जिनकी मियाद ख़त्म हो जाती थी, तो वो जानवर यहाँ लाए जाते थे और उनको ज़िबा करके ख़त्म कर दिया जाता था यहाँ पर। तो ये जो है तो उस वक्त बिल्कुल एक गैर गुंजान आबाद इलाका था, तो उस वक्त जो है तो 1909 में इसको यहाँ पर तामीर किया गया था। ये अंग्रेज़ी तर्ज तामीर पर जो है तो तामीर हुआ है। सारी जो है इसमें सुर्ख रंग की ईंटें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ का बहुत कदीम और पुराना जो है तो समझ लें एक टाउन सा बना हुआ है, जिसमें सारे कमरे बने हुए हैं बहुत सारे। तकरीबन जितने मैंने गिने हैं तो 20 तक के जो है तो इसमें पोर्शन बने हुए थे। तो मैं जो है तो तकरीबन शाम के जो है तो मैं तकरीबन 6 बजे यहाँ पर गई थी, विज़िट किया था। तब जो है तो थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, लेकिन जैसे ही जैसे मैं आगे जाती रही तो यहाँ पर जो है तो अंधेरा होता गया, और यकीन जाने अंधेरा भी ऐसे मुझे तो डर लगने लग गया था, क्योंकि कुछ तामीर ऐसा हुआ है और कुछ जो है तो इसमें पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, मुजस्मे रखे हुए थे। तो है मतलब विज़िट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा जो है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा पुरानी चीज़ें, मतलब जो कि जो अभी नापैद हैं क्योंकि मॉडर्न दौर चल रहा है। और इसके अंदर खड़े होकर भी जो है तो हम तुकावान की जो पास था उसमें खड़े होकर हम उसका प्रेजेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि साथ में जो है सारे कमर्शियल और रिहायशी बिल्डिंग वगैरह हैं जो आज की तामीरात हैं, और बहुत जो है तो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग जो बन चुके हैं अब यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में।
ये देखें यहाँ पर जो है तो काफ़ी सारी ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं इन्होंने, मुजस्मे मूर्तियाँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है तो पौधों के अंदर पड़ी हुई है और ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है तो इसके ऊपर पौधे हैं, तो अंधेरा सा लग रहा है और मुझे तो काफ़ी डरावना भी लग रहा है, मुझे डर लगने लगा है यहाँ से। लेकिन चलिए आगे चलते हैं, आगे भी जो है तो ये सारा इसी किस्म का मतलब चीज़ें पड़ी हुई है, क्योंकि ये आर्ट गैलरी वगैरह है ना यहाँ पर, अब वो लोग होते हैं तो पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं सारी। ये देखें यहाँ पर जो है तो काफ़ी सारी ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं इन्होंने, मुजस्मे मूर्तियाँ। ये इमारतें तकरीबन जो है तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तकरीबन कहते हैं कि 100 साल तक यहाँ पर जो है तो मवेशियों को लाया जाता था और उनको जो है तो करंटीन किया जाता था और फिर उनको ज़बह करके तल्फ कर दिया जाता था, यानी 1907, 8 और 9 इस तरह के दरमियान में ये जो है तो तामीर किया गया था, और उसके बाद जो है तो ये 1999 में इसमें जो है तो इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ आसपास करीबी जो रिहायशी लोग थे उन्होंने जो है तो कंप्लेन की थी कि भाई ये ज़बह खाना बिल्कुल जो है तो आबादी के दरमियान में है, इसलिए इसको बंद किया जाए। लेकिन ये जब शुरू में तामीर किया गया था तो ये बिल्कुल एक गैर आबाद इलाका था, इसलिए इसको यहाँ जो है तो ये कैटल सेंटर बना दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है तो जब आहिस्ता आहिस्ता आबादी होने लगी और यहाँ पर इसके आसपास एरिया में भी तामीराती काम शुरू हो गया था, तो फिर जो आस पड़ोस के जो लोग रहते थे उन्होंने इसको बंद करवा दिया था। अब ये जो है तो सिर्फ आर्ट गैलरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके 5 यूनिट हैं और इस सारे यूनिट में जो है तो इन्होंने किराए पर लिए हुए हैं और अपना आर्ट वर्क वगैरह और जो कुछ उनका आर्ट से रिलेटेड होता है तो यहाँ पर जो है तो उसकी नुमाइश लगती है। यहाँ सारा दिन लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ विज़िटर हर वक्त आ सकते हैं, 10 बजे से लेकर और रात 9-8 बजे तक जो है तो ये खुला रहता है। लेकिन इसमें अभी भी आप यकीन जाने इतना अंधेरा हो गया है कि कुछ चीज़ सही से नज़र आ ही नहीं रही, और जो है तो मतलब बाहर तो सही है लेकिन यहाँ पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है तो पेड़ पौधे लगा रखे हैं, उसकी वजह से अंधेरा हो गया है। चलिए अब आगे आपको दिखाती हूँ मैं, अभी जो है तो आगे भी जगह है।
ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। एक हिस्से में जो है तो पार्क सा बना हुआ है, जहाँ पर लोग आते जाते हैं, बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। उस पोर्शन में जो है तो कमरे वगैरह नहीं बने हुए। और ये जो जिसमें ये इमारतें बनी हुई हैं, तो ये पोर्शन अलग है। उसको इस ग्रिल के साथ जो है तो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। उस साइड पे लोग बैठते हैं, आते हैं आउटिंग वगैरह के लिए, और इस साइड पे जो है तो इन इमारतों में और आर्ट गैलरी वगैरह में विज़िट करने के लिए आते हैं। ये देखें यहाँ पर जो है तो ये बिल्कुल इसका आखिरी कोना है। और ये देखें, ये सारा कुछ पुराना सामान, मुझे तो लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर ये मरम्मत का काम होता हो। और अरे अरे ये देखें, ये तो काले रंग की बिल्ली बैठी हुई है, और मुझे यकीन जाने नज़र ही नहीं आई सामने से देखते हुए। ये मोबाइल में अभी मैं रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे बिल्कुल कैमरे में नज़र आई है बिल्ली। ये देखें, भी नहीं रही कितनी पक्की है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी मासी मुसीबत, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।